जब तक आप ये वाला ब्लॉग देखोगे तब तक वृंदावन वाला ब्लॉग ढल चुका होगा, और उससे पहले एक ब्लॉग और ढल गया होगा जो आपने देखा होगा दोस्तों के साथ जब मैं गया था मूवी देखने वैनम 2। वो ब्लॉग में अच्छे व्यूज़ आए हैं मैंने देखा। अभी मैं पापा के काम से निकल रहा हूँ बाहर, फिर जैसे जैसे जो भी शूट हो पाता है मैं शूट करता हूँ, क्योंकि कैमरा अभी भी मैं उसमें लेकर नहीं जा रहा, फ़ोन से ही कर रहा हूँ क्योंकि उसकी बैटरी आने में टाइम लगेगा। क्योंकि बैटरी आने में, ऑस्मो की बैटरी आने में थोड़ा टाइम लगेगा, और वो नवंबर के बीच में आएगी, मैंने जैसे कि शायद बता भी चुका हूँ मैं पहले के ब्लॉग में। तो वापस से मैं एक जगह और चेंज कर चुका हूँ, जो आपको बैकग्राउंड वापस से चेंज नज़र आ रहा होगा, लेकिन अब मैं निकल चुका हूँ अपने काम के लिए, मतलब अपने काम के लिए क्या, पापा के काम के लिए, मतलब काम से ही निकला हूँ। और अभी इंस्टाग्राम पर मैंने रील डाली है, मतलब जिनके ज़्यादा फॉलोअर्स होते हैं उनको एक एक मिनट की रील डालने का हक है, और जिनके कम फॉलोअर्स हैं उनको 30 सेकंड से ज़्यादा हक नहीं दे रखा। सबसे बड़ा झोल तो यही है। एक मैंने वैसे पोस्ट डाली है, उसको जाके देखो तब आपको समझ में आएगी, फिर आप वापस आ जाना मेरी पूरी वीडियो देखने के लिए। किसी भी तरीके से बराबरी वाला कोई चीज़ ही नहीं है। ये बड़ी अच्छी बात कही है। मसाला छाछ लेने का मन कर रहा था कुछ पीने का, तो मैंने मसाला छाछ ले ली। कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीने से बढ़िया छाछ पी लो। कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनके लिए ऑस्मो की याद आ जाती है मुझे, क्योंकि अभी मैं जब छाछ रहा था एक जगह दुकान पे, तो वहाँ पे कुछ फनी सीन्स हो गए थे जो रिकॉर्ड हो जाते लेकिन रिकॉर्ड हो नहीं पाए टाइम पर, तो इस वजह से कभी कभार। लेकिन अब उसकी बैटरी आएगी जैसी, तो तभी मैं उसको ढंग से निकालूँगा, ढंग से यूज़ होगा, उसके बाद फिर मोटो ब्लॉग भी बनेंगे। और अभी मैं कश्मीरी गेट आया हूँ किसी काम से, पापा के ही काम से आया हूँ, तो यहाँ से जल्दी से फ्री होकर निकलता हूँ, बस घर ही निकलूँगा। बहुत तेज नींद आ रही है, तबीयत भी ख़राब लग रही है मेरे को थोड़ी सी। और तबीयत इसलिए ख़राब लग रही है क्योंकि जो मुकुंद गौतम वाला ब्लॉग था जब हम मूवी देखने गए थे, तो वो ब्लॉग मैंने रात के 3 बजे तक एडिट किया है, तो इस चक्कर में 3 बजे के बाद सोया हूँ मैं रात को। फिर इतनी तगड़ी मतलब नींद आ रही थी कि सुबह 8 बजे उठना पड़ गया, क्योंकि कहीं जाना था मेरे को पापा के काम से ही, तो सुबह 8 बजे उठाऊँ। अब जाके मेरे को सिर में दर्द चालू हुआ है थोड़ा थोड़ा, तो अब सोच रहा हूँ कि घर चला जाऊँ। काम तो वैसे निबट गया है, और इस वक्त 4:30 होने वाले हैं, और मैं ऑफिस पहुंचूंगा तो 5 बजे ही आएंगे, तो 6 बजे तक घर पहुंच जाऊंगा मैं। फिर ये वीडियो भी एडिट कर दूंगा अपनी वृंदावन वाली, आप अभी मतलब वृंदावन वाली एडिट करनी है मेरे को वीडियो, क्योंकि जब तक ये डलेगी आप देख चुके होंगे वो वृंदावन वाली। तो मैं सोचा थोड़ा चाय वाय पी जाए, क्योंकि चाय पी हुए बहुत टाइम हो गया मेरे को, मतलब से मौसी के घर के आने से पहले तो मौसी के घर पे पी थी चाय मैंने, उससे पहले उसके बाद नहीं पी रहा था। सिर में दर्द भी हो रहा था, तो मैं सोचा चाय पी लूँगा एक बार। शास्त्री नगर में एक बहुत बढ़िया टिक्की वाला है, जो कि अभी दिखाया मैंने आपको, तो मेरा मन ललचा सा रहा था कि मैं टिक्की खा लूँ, तो मैंने देखा कि बंदा अभी सेटिंग कर रहा है, तो भैया सेटिंग कर रहे थे, अभी चालू नहीं हुआ पूरे तरीके से, अभी गोलगप्पे ही चालू हुए हैं। तो मैं सोचा, क्योंकि घर से मैं उबली हुई दाल लेकर आया था तो मैं वो खा रहा हूँ इस वक्त, तो मैंने भैया को मन रखने के लिए पूछ लिया कि भैया टिक्की कब तक तैयार होगी, तो भैया ने कहा 10 मिनट लगेगा। ओह माय गॉड, और 5 मिनट में मैं अपनी दाल खत्म कर दूंगा और यहाँ से निकल लूंगा। बुद्धि बहुत तेज है तुम्हारी, क्योंकि मेरे को बहुत तेज भूख लग रही थी जब से मैं चाय पी है ना, उसके बाद से मेरे पेट में बड़े धूमधाम से धमाके हो रहे हैं, तो समझ में नहीं आ रहा क्या हुआ है मेरे को, घर जाके फ्रेश होना पड़ेगा। सबसे मेन चीज क्या है,
सबसे मेन चीज़ ये है कि गौतम ने भी अपना YouTube चैनल चालू कर लिया है। कल उसने एक फर्स्ट वीडियो अपनी अपलोड करी है YouTube चैनल पे, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा अपने। उसके YouTube चैनल पे भी जाके लाइक सब्सक्राइब कर लेना और उसकी वीडियो भी देखना। गेमिंग चैनल है उसका बेसिकली। तो और मुकुंद को बहुत खुशी हो रही है उसको, क्योंकि मुकुंद ने मतलब मैं भी अब अपलोड कर रहा हूँ ज़्यादा ज़्यादा वीडियो, और गौतम ने भी शुरू कर दिया, तो मुकुंद को बहुत खुशी हो रही है इस चीज़ की। तो मुकुंद जी प्लीज़ आप भी शुरू कर दो, आपसे भी विनती है। तो एक बार अगर हम तीनों ओपन कर लेते अपना चैनल सही से, मतलब दो का तो चलो हो ही चुका है, तीसरे का भी चैनल अगर ओपन हो जाए तो फिर तो मज़ा ही आ जाएगा, कोलैब करेंगे एक दूसरे के साथ। और एक शायरी मेरे को भी खड़े खड़े मतलब मैंने बनाई है खड़े खड़े शायरी, तो मैं भूल भी गया वैसे, सॉरी यार मैं भूल गया एकदम, क्या वर्निंग्स थी यार। तो याद आ गई मेरे को शायरी सही टाइम पे, वरना मैं भूल गया था शायरी। तो शायरी ये है कि चल पड़े हैं हम भी उस राह पे जिस राह पे हैं बहुत से कांटे, चल पड़े हैं हम भी उस राह में जिस राह में बहुत से कांटे, और हमारा YouTube चैनल लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें हर जगह, ये हम हैं आपसे चाहते। ये बड़ी अच्छी बात कही यार, बस इतनी सी थी, इतनी सी शायरी थी। तो अगर ये शायरी समझ में आई हो, पसंद आई हो अगर, तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहो। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, तुम्हारे पैर पड़ता हूँ। तो यार हमारे चैनल को, गौतम का चैनल का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, और मेरे चैनल को आप लाइक सब्सक्राइब करते ही रहो, और गौतम को भी उसके चैनल को भी आगे बढ़ाओ। मुकुंद जी हमारे चैनल जब खोलेंगे, हालांकि खोल रखा है उन्होंने, लेकिन वो वीडियोस डालते नहीं है, बहुत पुरानी वीडियो डाल रखी है। तो जैसी वो भी फील्ड में उतरते हैं, तो उनका भी चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो तीनों को आप हर जगह फैला दो, सबके साथ शेयर करो तीनों का यूट्यूब चैनल। तो इसी के साथ हम विदा लेते हैं, थैंक यू सो मच। और भैया ने टिक्की टाइम पे बना दी, तो टिक्की खाएंगे और अभी आपको दिखाएंगे, टिक्की देख कर जाना। अब मैं आपसे ये तो बिल्कुल नहीं कहूँगा कि आप भी टेस्ट करके देखो, क्योंकि वीडियो में से कैसे टेस्ट करोगे आप, टेस्ट तो मैं ही कर पाऊँगा, लेकिन शक्ल आपको अच्छी लग रही होगी, तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर देना। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, तुम्हारे पैर पड़ता हूँ। किसी के टिक्की के मतलब टिक्की शेयर कर दो सबको, चलो टिक्की व्लॉग है ये, और एक जो मैंने शायरी बनाई थी शायरी व्लॉग, टिक्की प्लस शायरी व्लॉग। ओके टाटा बाय बाय।